हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा सीए फाउंडेशन की श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी। इस वीडियो में अपन पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या मेथड्स, क्या क्या तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो आज अपन डिस्कस करेंगे, अगर आपने उसको एग्जैक्टली फॉलो कर लिया तो आप इजीली सीए फाउंडेशन को क्लियर कर लोगे, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं, एक तो आपका रिविजन प्लान किस तरीके से होना चाहिए, आप रिविजन कितने आपको करने पड़ेंगे, साथ में आपको कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, मटेरियल क्या क्या फॉलो करना है, तो पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी ये होने वाली है। तो सबसे पहले तो अभी नवंबर में एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोगों के सीए फाउंडेशन के, तो सबसे पहले अपन नवंबर के एग्जाम से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि आप लोगों को रिवीजन कैसे करना है। तो पहले अपन रिवीजन प्लान की बात करते हैं कि रिवीजन कैसे होगा। तो रिवीजन करने के लिए देखो आप लोगों को, अगर आप लोग अगर नवंबर एग्जाम्स दे रहे हैं, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और नवंबर 2020 में आपके एग्जाम्स हैं, तो आपके पास अभी जो टाइम बच रहा है 2.5 मंथ के अराउंड अपने पास टाइम है, तो इसमें आप 2 रिविजन्स इजीली कर सकते हैं। इसमें आप 2 रिविजन कर लीजिए अभी जो रिमेनिंग टाइम है। और 2 रिविजन आपको कैसे करने हैं, पहला जो रिविजन करना है उसमें आपको फर्स्ट रिविजन में 10 डेज पर सब्जेक्ट आपको अलॉट करने हैं। आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, लॉ, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स और आपका इकोनॉमिक्स। तो हर सब्जेक्ट को आपको 10 डेज अलॉट करने हैं। 10 डेज आप एक सब्जेक्ट को अलॉट करिए, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटेंसी को 10 डेज अलॉट करे, तो 10 डेज सिर्फ आपको अकाउंट्स पढ़नी है। उसमें आपको करना क्या है, 9 डेज में आपको अकाउंट्स कंप्लीट करनी है, 10th डे आपको वापस से उसको पूरा रिवाइज करना है, एंड 11th डे आपको उसका एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है ICAI के लेवल वाला। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है, अकाउंटेंसी, लॉ, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स और देन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा आपका कंप्लीट। देन आपको सेकंड रिवीजन करना है और सेकंड रिवीजन आपको करना है 5 डेज पर सब्जेक्ट में। आप हर सब्जेक्ट को 5 डेज अलॉट कर दीजिए सेकंड रिवीजन में। अब सेम सीक्वेंस रखिए, सेकंड रिवीजन में पहले आप जैसे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट उठाते हो तो 5 डेज में आपको अकाउंट्स कंप्लीट करनी है, 4 डेज में कंप्लीट करिए, 5th डे वापस से रिवाइज करिए, 6th डे उसका एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, सेम आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ करिए। तो 2 रिवीजन आपके हो जाएंगे और 2 रिवीजन के बाद आपका बहुत परफेक्ट रिवीजन हो चुका होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा अगर आप साथ में मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते हो तो। इसके बाद आपके पास एग्जाम से पहले 10-15 दिन और बच जाएंगे जिसमें आप खुद से एक रिवीजन और कर पाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्टअप हो जाएगा। तो नवंबर 2020 में अगर आपके एग्जाम है तो इस पैटर्न में आपको रिवीजन करना है। आप लोगों के माइंड में और भी बहुत डाउट आ रहे होंगे, हमें कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक रिवीजन प्लान आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ रिवीजन इतने टाइम में करना है। ये तो है नवंबर 2020 के लिए। अब कोई सीए स्टूडेंट जो मई 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है सीए फाउंडेशन की, जिसने प्लान किया है कि मई 2021 में मैं अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम दूंगा, तो उसको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपकी अभी भी क्लासेस वगैरह चल रही होंगी या आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपने कंसेप्ट हर सब्जेक्ट के वो कंप्लीट करने हैं। क्लासेज बोलिए आप या कुछ भी बोलिए, हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है एक बार के लिए, तो वो आपको करना है मैक्सिमम जनवरी एंड तक। मई 2021 वालों के लिए सबसे पहले आपको मैक्सिमम जनवरी एंड तक अपना सब्जेक्ट एक बार कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है, चारों सब्जेक्ट्स को, अकाउंटेंसी, लॉ, मैथमेटिक्स और आपका जो इकोनॉमिक्स है। इसके बाद आपको रिविजन्स स्टार्ट करने हैं, ये क्लास कंप्लीशन। देन आपको रिविजन्स स्टार्ट करने हैं, आपके पास 3 मंथ्स रहेंगे और 3 मंथ्स में आपको रिवीजन करने हैं, आपके पास टोटल 3 महीने रहेंगे फिर, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपके पास 3 मंथ्स आएंगे और 3 मंथ्स में आप परफेक्टली 3 रिवीजन्स कर पाओगे। 3 रिवीजन्स करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप 3 रिवीजन्स विद मॉक टेस्ट करिए और 1 रिवीजन आपका विदाउट मॉक टेस्ट हो जाएगा। 3 रिवीजन्स विद मॉक टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन 12 डेज में हर सब्जेक्ट में, सेम जैसा भी मैंने बताया था, बस यहाँ पे इनके पास 10 डेज और 5 डेज का बताया, आप लोग फर्स्ट रिवीजन 12 डेज में करिए और 12th डे के बाद 1 दिन मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद सेकंड रिवीजन में हर सब्जेक्ट को 6-6 डेज दीजिए, 3rd रिवीजन में हर सब्जेक्ट को 3-3 डेज दीजिए। उसके बाद भी आपके पास 20-25 दिन होंगे जिसमें आप अपने सब्जेक्ट में जो भी आपकी वीकनेस है, एग्जाम से पहले 20-25 दिन होंगे, उसमें एक और रिवीजन तो हो ही जाएगा, बाकी आपका कोई टॉपिक वीक है या कोई भी आपके सब्जेक्ट की वीकनेस है वो आप दूर कर पाओगे। तो बहुत अच्छे से आपका मई 2021 में सीए फाउंडेशन के लिए
स्ट्रेटेजी बन जाएगी और आप इजीली क्लियर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आपका प्लान हो चुका है कि इस प्लान से आपको पढ़ाई करनी है। अब नवंबर 20 वालों का सिर्फ रिवीजन वाला स्टेज है, मई 2021 वालों के लिए पहले क्लास कंप्लीशन देन रिवीजन का स्टेज। ये तो हो गया आपका रिवीजन रिलेटेड बात कि आपको रिवीजन कैसे करना है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है वो सीधा मैं आपको ऐसे ही मटेरियल पे लेके जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, सबसे पहले आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि अब वो वाली बातें नहीं है कि आप नॉर्मल देख के चले जाओ, कंसेप्ट आपको आने चाहिए। तो नवंबर 2020 के स्टूडेंट्स या मई 2021 आप लोगों को अगर सबसे पहले अपने कंसेप्ट पढ़ने हैं तो आप कहीं पे भी जो भी आप क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं नवंबर 2020 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी। फिर भी आपको लगता है नहीं मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और मई 2021 वाले स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन देना चाहते हैं तो आप लोगों के क्लासेज अगर स्टार्ट नहीं करी हैं तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी अभी एज सून एज पॉसिबल, और अदरवाइज क्लासेज चल रही हैं तो उनमें आप अपने कंसेप्ट क्लियर करिए सबसे पहले। और उसके लिए आप देखिए क्लासेस के लिए हम लोगों ने अनअकैडमी के साथ अभी टाई अप किया है, कोलेब्रेशन किया है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो अनअकैडमी के ऊपर देखो सबसे इफेक्टिव क्लासेस अभी चल रही हैं जो फाउंडेशन इंटरमीडिएट, अभी आपको मैं बताऊंगा ना किस तरीके से आपके वहाँ कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको क्लासेज अगर कंसेप्ट क्लियर करने के पर्पज से चाहिए तो आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप ये एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, iOS यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप के अंदर लॉगिन करना रहेगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। देन इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको प्लस सेक्शन दिख रहा होगा, इस पे जाना रहेगा। प्लस सेक्शन पे जाएंगे तो आप सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट करके जो आपको सेक्शन दिख रहा है इसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा, सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, और फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्लान्स आ जाएंगे अनअकैडमी के। अब आप देखिए अनअकैडमी के स्पेशल प्लान जो अनअकैडमी ऑफर कर रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, हम लोगों ने इसी वजह से उनके साथ टाई अप किया फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का। आप देखेंगे ना यहाँ पर आपके पास प्लान्स का टाइम वैलिडिटी के साथ है, 1 मंथ का भी प्लान है, 3 मंथ का भी, 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। मतलब आपको बताऊँ 1 मंथ का फॉर एग्जाम्पल आप प्लान लेते हो ना तो 1 मंथ तक आपको सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों, मतलब फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उनकी जितनी भी फैकल्टीज हैं सभी के वीडियोज़ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। मतलब अभी आप फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर आप जैसे नवंबर के स्टूडेंट भी हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस टाइम भी अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर वहाँ वीडियो देखते हैं अनअकैडमी के ऊपर तो आपके जितने भी वहाँ आपके सब्जेक्ट्स हैं, टोटल सब्जेक्ट के जितने भी वहाँ फैकल्टीज़ हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज़, सबके वीडियोज़ पर आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं। साथ में वहाँ क्विजेस भी करवाते हैं सभी अपनी फैकल्टीज़, मतलब टेस्ट भी वो लेते हैं MCQ टाइप टेस्ट, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मतलब आपको किसी सब्जेक्ट का फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटेंसी की क्लास देख रहे हो, आपको किसी एक फैकल्टी की समझ नहीं आ रही तो दूसरी की देख लो, आपसे कोई अलग चार्जेज ही नहीं है। मतलब टोटल सब्जेक्ट्स का सिर्फ एक बार में सब्सक्रिप्शन, और 1 मंथ का आप प्लान देखें तो 3500 रुपीज़ का ये प्लान है, और अगर आप और ज़्यादा टाइम का लेंगे तो आपकी इफेक्टिव रेट पर मंथ बहुत कम होती जाएगी। आपको मैं सजेस्ट करूंगा अगर मई 2021 वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं जिनको सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है मई 2021 और आपने क्लासेज स्टार्ट नहीं करी हैं तो आपको 1 ईयर या 2 ईयर वाला प्लान लेना चाहिए अनअकैडमी के ऊपर। क्योंकि अगर आप 1 ईयर का प्लान लेंगे ना तो 1 ईयर की क्लासेज की कॉस्ट है 17,500 टोटल सब्जेक्ट्स, और जिसमें भी जितनी भी फैकल्टीज हैं फाउंडेशन की सारी आपको अवेलेबल होंगी, सबके वीडियोस पे अनलिमिटेड एक्सेस, कितनी भी बार क्लासेस देखो एग्जाम से पहले, टोटल आपके पास एक साल तक आप कितनी भी बार क्लासेस देखो, और 17,500 इसकी प्राइस, जिसमें आपको फाउंडेशन के वीडियोस तो मिलेंगे ही। मान लो आप मई में एग्जाम दोगे फाउंडेशन के, 1 मंथ की वैलिडिटी अगर अभी से स्टार्ट करोगे आप तो अगस्त में जाके खत्म होगी अगले साल, और इसमें आपको फाउंडेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब फाउंडेशन के सब्जेक्ट का तो है ही, साथ में इंटरमीडिएट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी जितने भी फैकल्टीज हैं उनके भी वीडियोज़ में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो वो भी आप जैसे ही मई में एग्जाम दोगे आप, उसके बाद आप इंटरमीडिएट की क्लासेस भी देख पाओगे विदाउट एडिशनल कॉस्ट। और अगर 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं मेरे को थोड़ा और ज़्यादा टाइम तक क्लासेस देखनी है फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट की भी पूरी, तो आपको 2 ईयर्स का लेना चाहिए कि आपको पूरा प्लान करना है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, क्योंकि इसकी कॉस्ट कितनी है सिर्फ 21,000 2 ईयर्स फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का सब्सक्रिप्शन। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, और मान लो आपके घर में कोई आपका भाई या कोई बहन है जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, आप फाउंडेशन की क्लास देखो वो इंटरमीडिएट की देखेंगे कितनी भी बार देखो। ये इनकी प्राइसेज हैं अनअकैडमी की, टोटल सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा मंथ वाइज,
वन मंथ का भी ले सकते हो, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। और हमारे कलेब्रेशन के हिसाब से, हमने जो कलेब्रेशन किया है अनअकेडमी के साथ, उसमें अगर आप रेफरल कोड लगाते हो अजय सीए या फिर अतुल सीए, ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा हमारी तरफ से, क्योंकि हमने वहाँ पे कलेब्रेशन उनके साथ किया हुआ है इस चीज़ का, फाउंडेशन इंटरमीडिएट का। तो आप अगर ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे तो आपको इन प्राइसेस में भी 10% एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो अगर आप 12 मंथ का देखोगे 17,500 वाला 15,750 की आपकी प्राइस पड़ेगी, और 2 ईयर्स वाले की 18,900 आपकी प्राइस पड़ेगी जो 21,000 का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और मैं यही सजेस्ट करूँगा क्योंकि इससे चीपेस्ट कुछ ही नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का सबसे बढ़िया क्वालिटी और एकदम सस्ती रेट में वो यहीं पर मिल रहा है, मतलब अनअकैडमी जो ऑफर कर रहा है। आप फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं कंसेप्ट्स के लिए, अपनी क्लासेस करने के लिए। इस पर आपका रिवीजन भी होगा, आप कितनी भी बार एग्जाम से पहले वीडियोस देख सकते हैं, जो फैकल्टी पसंद आए उसके वीडियोस देखिए आप लोग, और साथ में मॉक टेस्ट और क्विजेज भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं ये लोग जो भी इस पर फैकल्टीज हैं, फुल कोर्स अवेलेबल है इसके ऊपर। तो ये तो कुछ है आपके कंसेप्ट्स और क्लासेस से रिलेटेड बात, जो आपको अगर करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। अब अपन अपनी स्ट्रेटेजी में आगे बात कर लेते हैं। तो एक तो रिवीजन प्लान अपन ने कर लिया, आपके कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं आपको वो आपको बता दिया मैंने, क्लासेस आपको करनी है तो वहाँ आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को बुक कौन सी पढ़नी है, मटेरियल कौन सा पढ़ना है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको ICAI स्टडी मटेरियल पढ़ना है, इसलिए मैं आपके सामने ICAI स्टडी मटेरियल ओपन कर रहा हूँ। बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि हमें ICAI के स्टडी मटेरियल, जिनके पास अभी हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो वो सॉफ्ट कॉपी में कैसे मिलेगा, मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें, लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करें। या फिर आप लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि RTPs वगैरह कुछ चीज़ होती हैं, आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको बता दूं, ICAI हर अटेम्प्ट में रिविजन टेस्ट पेपर भी इशू करता है जिसमें वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता है, वो भी एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको पूरा मटेरियल बताने वाला हूँ जो ICAI अपनी साइट पर अपलोड करता है, फ्री में डाउनलोडेबल हैं, तो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको बता दूंगा, और यहीं से आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा क्या क्या मटेरियल आपको पढ़ना है हर सब्जेक्ट में रिवीजन में। तो आपको ICAI के साइट पर जाना है, ICAI.org, ICAI की साइट है ICAI.org। इसमें आप देखेंगे ऊपर ऊपर स्टूडेंट सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद आपको BOS नॉलेज पोर्टल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा पूरा डिटेल उनका कोर्स का। तो आपको न्यू स्कीम में देखो यहाँ पे एक फाउंडेशन कोर्स दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और आपके सामने सभी सब्जेक्ट्स के आ जाएंगे जो भी आपके कोर्स में सब्जेक्ट है। अभी ये देखो आपके फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले अपन अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं, उसको पढ़ना कैसे है। तो मैं अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट ओपन कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखो अकाउंटेंसी का सिंपल सा है, स्टडी मटेरियल जो है उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप देखोगे स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन और टेस्ट ईयर नॉलेज एक्सरसाइज के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, डिट्टो वही क्वेश्चन आते हैं, बस वैल्यूज चेंज कर देता है ICAI। सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना अकाउंटेंसी में। इसके अलावा आप देखेंगे इस सेक्शन में अकाउंटेंसी में एक रिविजन टेस्ट पेपर करके कॉलम है, ये आप देखेंगे तो हर अटेम्प्ट में ICAI RTP इशू करता है, मई 2018 से लेकर मई 2020 अभी तक की सभी RTPs आपको करनी है हर सब्जेक्ट में, अकाउंट्स मैथमेट जो आपका लो है, हर सब्जेक्ट में आपको अभी तक की जो RTPs हैं वो सब आपको करनी रहेंगी। तो RTPs देखो कुछ इस तरीके की होती है जिसमें क्वेश्चन देता है ICAI, ठीक है, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है ICAI की साइट से। तो आपको अकाउंटेंसी में क्या क्या करना है मैं यहाँ पर नोट भी करता जाता हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर लो कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट बुक पढ़नी है, कंसेप्ट नोट्स पढ़ने हैं, जहाँ से भी आपने क्लासेस ली, अनअकैडमी से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो वहाँ से कंसेप्ट नोट्स। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में SM बोला है उसके क्वेश्चंस करने हैं, स्टडी मटेरियल ICAI का स्टडी मटेरियल, ठीक है, ICAI स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस प्लस पास्ट RTPs अभी मैंने दिखा दी ICAI की साइट पे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, मई 18 से लेकर अभी तक की, मई 2018 ऑनवर्ड्स हर अटेम्प्ट में ICAI इशू करता है RTP, मई 18 से लेकर अभी तक की जितनी भी RTPs हैं उनके क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने, बस इतना आपको अकाउंटेंसी में करना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा पेपर अपन लॉ की बात करते हैं, तो लॉ में देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ICAI के स्टडी मटेरियल में, ICAI के स्टडी मटेरियल में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। अब आप लोगों को उसमें दिक्कत आती है, जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं डेली बेसिस पर, उसी के बेसिस पे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर लो सबसे खतरनाक लगती है फाउंडेशन लेवल पे, उसे पढ़ा कैसे जाए,
तो लॉ में भी देखोगे तो दो पार्ट हैं, एक तो लॉ वाला पार्ट और एक इंग्लिश वाला पार्ट, जिसे आप बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग बोलते हो, जो दूसरा पार्ट है आपका। तो इसमें बिजनेस लॉ वाला जो पार्ट है इसको देखो आप, इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये स्टडी मटेरियल मैंने ओपन किया है। स्टडी मटेरियल में करना कैसे है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि स्टडी मटेरियल को पढ़ा कैसे जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टडी मटेरियल को कैसे पढ़ना है, जैसे आपके पास टॉपिक है ये आ गया, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, पहला टॉपिक ये है व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको हर टॉपिक में उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। अब ये जो सेक्शन नंबर वगैरह दे रखा है ना, ये इररिलेवेंट है, इसको कुछ भी याद नहीं करना। आपको देखना है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, बस ये इसका कीवर्ड है, ये इसका कीवर्ड है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उसके बाद ये इस तरीके से आपको टॉपिक बढ़ते जाने हैं, जैसे इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं है कि डेफिनेशन क्या है। अब मान लो ये आपके आ गए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या क्या उसमें एलिमेंट होने चाहिए। तो अब इस तरीके का टॉपिक हो, मैंने क्या बोला, हर टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा स्टडी मटेरियल से। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, तो ऐसे केस में जहां पॉइंट्स में आपको आंसर दे रहा होगा बोल्ड पॉइंट्स में, सिर्फ बोल्ड पॉइंट्स याद कर लीजिए और कुछ भी याद मत करो, सिर्फ बोल्ड पॉइंट्स याद कर लो। टू पार्टीज, पार्टीज मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, अदर फॉर्मेलिटीज टू कंप्लाइड विद सर्टेन केस, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सिर्फ बोल्ड बोल्ड पॉइंट्स याद कर लीजिए और कुछ भी याद नहीं करना, जहां पॉइंट्स में आंसर हो। जहां पॉइंट्स में नहीं है, पैराग्राफ में आंसर है, वहां पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहीं शो करता हूँ कोई क्वेश्चन, मोस्टली केसेज में देखो पॉइंट्स में आंसर है, ठीक है। अपन कोई टॉपिक लेते हैं जहां आपको पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, इस पे क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक, तो स्टार्टिंग की एक लाइन आप याद कर लीजिए और बाकी की जो लाइंस हैं, एक लाइन तो आपको याद करनी है, बाकी की जो लाइंस हैं उनमें आप कोई एक दो कीवर्ड आपको मिल जाए वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं स्टडी मटेरियल से। मैं कोई और स्पेसिफिक चैप्टर ओपन करके आपको दिखाता हूँ, अब देखो मोस्टली केसेस में पॉइंट्स में दिया हुआ है आपका आंसर। अब देखो ये वाला सेक्शन है, इफेक्ट ऑफ ए रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। तो अब इसका मैं अगर एक बार रीड करूँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायटी, द प्रॉमिसी मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विजेंस और हिज कंटिन्यूएंस। अब यहाँ पर कीवर्ड क्या है, बस ये पैराग्राफ में आंसर है। अब इस केस में आपको बस इतना याद करना है, प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक क्या है, अगर कोई भी पार्टी प्रोमिस को फुलफिल करने से रिफ्यूज़ कर दे तो प्रोमिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड पे ला सकता है, बस ये कीवर्ड है। तो बस इतना याद करना है, प्रोमिसी में पुट एन एंड, आपको समझ में आना चाहिए लो क्या बोलता है। ये जो लो है ये एक्ट है, कोई ऐसी चीज़ होगी तो लो क्या बोलेगा उस चीज़ में, तो बस केवल इतना याद करना है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो। और आंसर कैसे देना है एग्जाम में, आपके पास केस स्टडी टाइप आता है कि इसके साथ ये हुआ, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, इनके साथ ये हुआ, सबसे पहले आपको जो भी उस पर रेलिवेंट प्रोविजन लग रहे हैं वो एक्सप्लेन कर दो, एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो भी एक्ट का लग रहा है। सेक्शन नंबर याद मत करो, ना ही लिखने। उसके बाद जो भी आपने प्रोविजन पढ़ा, जैसे अपन ने ये पढ़ा, आप नोट कर दो जो भी रेलिवेंट प्रोविजन है। उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करो, इन द गिवन केस ये हुआ, देन एक फाइनल कंक्लूजन दे दो, हैंस ए लिमिटेड इज वैलिड नॉट वैलिड, जो भी पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। ये हो गई लोगों को पढ़ने की टेक्निक, लोगों को आपको पढ़ना कैसे है। इसके बाद लोगों को पढ़ तो लोगे आप सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस के लिए जो भी आईसीए ने टेस्ट योर नॉलेज में स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं लो में। पहले कॉन्सेप्ट्स भी एसएम से ही पढ़ने हैं, सभी टॉपिक के कैसे पढ़ने हैं वो बता दें, जिनमें पॉइंट्स है पॉइंट पॉइंट्स याद कर लो, पैराग्राफ वाले हैं स्टार्टिंग एक दो लाइन याद कर लो, बीच में कीवर्ड ढूंढ लो। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एसएम वाले करने हैं, साथ में पास्ट आरटीपी इसमें भी करनी है, मई 18 से लेकर अभी तक की, ठीक है, मई 18 से लेकर अभी तक की आपको इसमें भी आरटीपीस करनी है। ये रही आरटीपीस आपकी, मई 18 की सिर्फ एक ही आरटीपी आई हुई है तो एक ही आरटीपी कर लो, उसके बाद आईसीएआई ने इशू नहीं करी है इसमें आरटीपी, तो आप एक ही कर लो, ठीक है, जितनी आरटीपीस हैं। और बाकी देखो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी कुछ दे रखे हैं आईसीएआई ने, ये भी आपको करने हैं। ये आईसीएआई ने कुछ एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दे रखे हैं जो आपके मॉड्यूल में नहीं होंगे, ठीक है, जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ये आपको करने हैं। तो लो में आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से कंसेप्ट पढ़ने हैं, साथ में आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, और जो भी आरटीपी वगैरह अवेलेबल है साइट पे उसके क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, बस इतना कर लोगे लो का काम भी हो जाएगा। और जो लो में दूसरा पार्ट है आपका बिजनेस करस्पोंडेंस, तो मे बी आरटीपी, देखो यहाँ पे जो बाहर कॉमन आरटीपी दे रखी है ना इन्होंने लो की, आप यहाँ देखोगे बाहर जो कॉमन आरटीपी दी है यहाँ पे सारी दी होगी, मई 18 से देखो मई 20 तक की पूरी आरटीपी दे रखी है बाहर कॉमन, आपको यहीं से करनी है।
फिर दूसरा पार्ट है लोग के अंदर बिजनेस करस्पॉन्डेंस, इसमें कम्युनिकेशन रिलेटेड टॉपिक आता है। ये जो वाला जो टॉपिक है ना बिजनेस करस्पॉन्डेंस वाला, इसके अंदर आपको सिर्फ रटने का है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ रटने वाली चीज़ है जो आपको पहले बचपन में रटाई जाते थे ना स्कूल में। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करनी है, जो भी पैराग्राफ में आंसर है स्टार्टिंग की एक लाइन या दो लाइन याद करो, और जो भी पॉइंट्स में आंसर है सिर्फ पॉइंट पॉइंट्स याद कर लो। इसमें तो पूरा रटना ही है, इसमें कभी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा रटने का है, और इसमें इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो कैसे याद करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चंस फिर आईसीआई के एसएम की प्रैक्टिस कर लेना, आरटीपी के। इसमें जो बाद में पार्ट है ना जो रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग, ये राइटिंग वाला है, तो इसकी बेसिक नॉलेज ले लो कि रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, बस फिर अपने तरीके से बना दो, एक फॉर्मेट देख लो किस तरीके से बनाते हैं, उसके बाद अपने तरीके से बना के आओ। ठीक है, ये लो का हो गया, कैसे आपको लो को पढ़ना है। देन आपका थर्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेटिस्टिक्स। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं थी, तो अपन सबके लिए बात करेंगे। अब आप लोगों को मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेटिस्टिक्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट पढ़ने हैं, जहाँ से भी आपने क्लास ली है, जहाँ से भी आप वीडियोस देख के पढ़ रहे हो कंसेप्ट वो पढ़ लो। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं आईसीआई की एसएम के प्रैक्टिस, साथ में इधर कोई आरटीपी नहीं होती है। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्टिव होते हैं, उसके क्वेश्चन सफिशियंट है जो मैंने बताए। इसके अलावा इसके क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से एक स्कैनर परचेस करना पड़ेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोर्स होंगे, मतलब बहुत सारे पास्ट जो सीपीटी वगैरह के थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के स्कैनर आपको परचेस करना पड़ेगा, अभी तक के जितने भी एग्जाम हैं उनके सोर्स का एक स्कैनर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए मार्केट से स्कैनर परचेस कर लेना, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बस कंसेप्ट पढ़ो, मार्केट से स्कैनर लाओ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा। मैथ जो आपके स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चन हैं वो तो करने ही है, उसके अलावा स्कैनर और आपको इसमें रखना पड़ेगा, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, जो आपका पेपर नंबर 3 है मैथमेटिक्स वाला, इसमें कंसेप्ट पहले पढ़ लीजिए आप लोग जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आईसीआई के एसएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एमसीक्यू पेपर है ये, और साथ में स्कैनर लेना पड़ेगा आपको मार्केट से, मार्केट से एक स्कैनर लेना पड़ेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिक्स के लिए। अब मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा डिटेल में मैं और बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपके उन स्टूडेंट्स के लिए भी बात करना चाहूँगा जिनके पास मैथ्स नहीं है 11th 12th में, और उनको फिर इस पेपर से डर लगता है, वो कई बार तो सीए फाउंडेशन में इससे डर के छोड़ देते हैं सीए फाउंडेशन को। तो जिनके पास मैथ्स है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रहा। अगर उनको भी डर लगता है तो अब वो वाली बात सुन लो, जिनके पास मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं है तो भी ये पेपर नंबर 3 जो आपका मैथ्स वाला है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिंपल सा तरीका है, इस पेपर में अगर आप देखोगे ना मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टेटिस्टिक्स, तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, और इसमें आप देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे इजी पार्ट होता है जो 20 मार्क्स से अराउंड आपका आता है, स्टैटिस्टिक्स भी 20-30 मार्क्स से अराउंड आता है, आपका 50 मार्क्स सही रहता है, और 50 मार्क्स से अराउंड आपका मैथमेटिक्स रहता है। तो आप लॉजिकल रीजनिंग तो इजीली कर लेगा, लॉजिकल रीजनिंग ना 11th 12th में मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के पास होती ना किसी और के पास, तो लॉजिकल रीजनिंग तो सबके लिए नया है और बहुत ईजी पार्ट है, वो आप सबसे पहले पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आप स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट पढ़ो, क्यों, क्योंकि ये पार्ट मैथमेटिक्स जिनके पास होती है ना 11th 12th में वो स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाते, क्यों, कई बार उनके पास इकोनॉमिक्स नहीं होती, क्योंकि मैं राजस्थान बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, राजस्थान बोर्ड में मुझे पता था कि अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा, और इकोनॉमिक्स लेते हो तो मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, सीबीएसई में शायद दोनों अवेलेबल होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इकोनॉमिक्स में आती है, और इकोनॉमिक्स तो आपके पास होगी, मैथ नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स तो होगी, तो उससे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके होगे, तो वो ईजिली आपका हो जाएगा, और बाकी स्टैट्स में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, फॉर्मूलाज याद हैं तो ईजिली इसमें कैलकुलेशन हो जाती है। तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो, उसके बाद स्टैट्स पढ़ो, उसके बाद आप मैथ्स पढ़ो। ठीक है, आपके पास मैथ्स नहीं थी तो उसके बाद मैथ्स पढ़ो, और मैथ्स में भी अगर आप देखोगे ना 8-10 चैप्टर हैं जिसमें से 7-8 चैप्टर तो वो हैं जो 10th क्लास तक आपने पढ़े हुए हैं, एकदम इजी लेवल के, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पता नहीं क्या क्या इतने बच्चों वाले चैप्टर आते हैं उसमें, पर 2-3 चैप्टर हैं जो आपको छोड़ने हैं। आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, ये चैप्टर छोड़ दो बस, ये एकदम बकवास चैप्टर हैं, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, अगर आप इनमें टाइम दोगे ना तो आप नहीं हो सकता, फिर आपको सबसे बेकार लगेगा ये पेपर। आपके पास अगर मैथ्स नहीं थी तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को देखना ही मत, कंप्लीटली इग्नोर करो उन चैप्टर को, उनमें से मैक्सिमम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 5-7 नंबर के आ जाएंगे, फिर भी सोचो ना 93 मार्क्स का तो मेरे पास स्कोप है, 93 में से 40 नंबर भी नहीं ला सकते क्या, ला सकते हो इजीली, स्ट्रेटेजी से चलोगे तो आ जाएंगे। ठीक है, तो जो बकवास चैप्टर लगते हैं मैथ्स में, दो तो बकवास हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, वो आप कंप्लीटली स्किप करो। ये हो गई मैथ्स की स्ट्रेटेजी। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल, बिजनेस
कमर्शियल नॉलेज। अब देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये भी आपका पूरा जो पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको स्टडी मटेरियल से टॉपिक पढ़ने हैं भाई, रीडिंग करनी है इसमें, क्योंकि इसमें रटना ऐसा सच नहीं है। लॉ में तो आपको रटना पड़ेगा क्योंकि वहाँ आपको लिखना था सब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो आप रीडिंग करो स्टडी मटेरियल की, जिस भी लाइन में आपको लगे कि हाँ यार यहाँ से एमसीक्यू बनता है उसको अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। ये है पढ़ने का तरीका, साथ में आईसीआई के एसएम में जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो और आपकी बस इसी तरीके से इसमें प्रैक्टिस होगी। एसएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और मॉड्यूल से आपको पढ़ते जाना है, जहाँ आपको लगे यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है उन उन लाइन को अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका हो जाएगा। और दूसरा इसमें आता है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, इसको आप पढ़ लो। ये वाला जो पार्ट है इसमें भी वही याद करने वाला है कि इसमें डेटा भी आएगा थोड़ा बहुत डेटा जो आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको वही एसएम से पढ़ना है, लाइन्स रीड करनी है, अंडरलाइन करते जाना है और बस याद करते जाना है, ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ एसएम से अंडरलाइन करते जाओ, पढ़ते जाओ, एसएम में जितने क्वेश्चन है बस वो देख लो, ठीक है। बाकी अंडरलाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। आपको बता दूँ पूरा पेपर जो एमसीक्यू का वगैरह का बनता है वो आईसीआई के एसएम में जो डेटा दे रखा है ना उसी से बनता है, बीच की कोई भी लाइन उठा लेते हैं उससे एमसीक्यू बनाते हैं। तो आप पूरी एसएम रीड कर लोगे, उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली अंडरलाइन कर लोगे तो आपका पूरा पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा ये भी। तो इस तरीके से आप फाउंडेशन के हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोबारा से आपको बता देता हूँ एक बार समरी में, इकोनॉमिक्स के लिए एसएम करनी है अंडरलाइन प्लस एसएम के क्वेश्चंस, और जो इंग्लिश वाला जो आपका पेपर है इसी के अंदर आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक नॉलेज लेनी है, जो इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत जो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना जो ग्रामर वाला पोर्शन आता था, तो इंग्लिश की बस बेसिक नॉलेज रखो, ज़्यादा कोई एडवांस लेवल का नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो बेसिक रिक्वायर्ड है, तो बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ोगे ईजिली हो जाएगा। ग्रामर वाली चीज़ें जो आप 10th क्लास तक तो आपने हर किसी ने पढ़ी होगी, 11th 12th में भी होती है वहाँ पर भी पढ़ी होगी, ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर बहुत बार पढ़ी होती है हमने, उसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे हो जाएगी, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, डरो मत उससे। बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिक्स क्वेश्चन है आईसीआई, हमेशा वही क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, एक एक्टिव पैसिव वॉइस से आएगा, एक शायद सिनोनिम और जो आपका टॉपिक होता है उससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बस एक फिक्स गिने चुने टॉपिक हैं उनसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, अभी रिवीजन का प्लान क्या है, नवंबर वालों को दो रिवीजन करने हैं, फर्स्ट रिवीजन 10 डेज पर सब्जेक्ट, दूसरा 5 डेज। मई 21 वालों को जनवरी एंड तक पहली बार क्लासेस कंप्लीट करनी है, फिर 3 रिवीजन करने हैं, 12 डेज फर्स्ट रिवीजन, सेकंड 6 डेज, थर्ड 3 डेज। सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट को पढ़ना कहते हैं अकाउंटेंसी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर एसएम के क्वेश्चंस करो, पास्ट आरटीपीएस के क्वेश्चन करो। लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट्स एसएम से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं वो बता दिए, जिनमें पॉइंट्स में आंसर है पॉइंट्स याद करो, जिनमें पैराग्राफ में पैराग्राफ के स्टार्टिंग एक दो लाइन याद करो, बस काम चल जाएगा। उसके बाद आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लो, पास्ट आरटीपीएस कर लो। मैथमेटिक्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद एसएम में जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो, साथ में मार्केट से एक स्कैनर परचेस कर लो, उसके क्वेश्चंस कर लेना। इकोनॉमिक्स में स्टडी मटेरियल में अंडरलाइन करते रहो, जहाँ जहाँ से आपको लगता है कीवर्ड्स आ सकते हैं क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ जहाँ आप पढ़ोगे अपने आप आपको आइडिया लगता जाएगा। उसके बाद एसएम में जितने क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो। तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी हो गई, और आपको अगर क्लासेस वगैरह इसकी फाउंडेशन की रिक्वायर्ड है, आपको कंसेप्ट समझने हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप अनअकैडमी से जाइए क्लासेस, क्योंकि सबसे चीपेस्ट और सबसे क्वालिटी क्लासेस वहीं इस वक्त अवेलेबल है, क्योंकि आपको फाउंडेशन के साथ इंटरमीडिएट मिलेगी, दोनों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, और वो भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल फ़ी आप उसे एक तरीके से बोल सकते हो, मतलब अगर 2 ईयर्स का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 19,000 में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का 2 साल तक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और जिसमें भी आप किसी भी फैकल्टी के किसी भी वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो, जो फैकल्टी पसंद आए उसके वीडियो देखो, जो पसंद नहीं आ रही उसके मत देखो। तो आप उस तरीके से अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, और उसमें भी अगर आप रेफरल कोड अप्लाई करोगे अजय सी ए और अतुल सी ए तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना प्लान करिए फाउंडेशन का, और आप इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करेंगे तो इजीली आप आराम से क्लियर कर लेंगे सीए फाउंडेशन को। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।